लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 आ चुका है, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सिल्वी फिर से अपने टाइमलाइन के अंदर कैसे चली गई जबकि उसका टाइमलाइन प्रोन हो गया था। इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा रमोना को जो अभी ट्रैक किया गया वो कहां पे और किसके साथ वो काम कर रही है। ये उसी के बाद हम बात करने वाले हैं, जितने भी टाइमलाइन को प्रोन किया गया क्या अब फिर से वो टाइमलाइन नहीं बनेगा, अब इस वीडियो के अंदर वो सारी बात बताने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। तो बहुत सारे ब्रांच को प्रोन किया गया और ऐसा बताया गया कि बहुत सारे ब्रांच जो थे उसको बम लगा के उड़ा दिया गया, लेकिन बात कर लेते हैं क्या अब यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है, ब्रांच यहाँ पे बनेगा और वो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जैसे पहले ब्रांच बनते थे लोगों का या कोई भी इंसान ऐसा था जो अपने काम से भटक जाता था तो ब्रांच बन जाता था, तो वैसे ही यहाँ पे भी ब्रांच बनेगा, लेकिन जो ये ब्रांच को प्रून किया गया है आप कुछ इस तरीके से इसे समझ सकते हो कि आपका नाखून या बाल है आपने उसे काट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अब बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा लेकिन जब उसका टाइम होगा। वैसे ही अब जो ब्रांच अभी प्रून कर दिया गया है वो ब्रांच तो प्रून हो चुका है, लेकिन अब वहां पे ब्रांच बनेगा जब वहां पे फिर से कोई गलती होगा या फिर से वो इंसान लोकी की तरह कुछ सोच के आगे बढ़ेगा, वहां पे ब्रांच फिर से बनेगा। अब यहां पे तुम्हारे दिमाग में ये भी चलेगा कि ब्रांच बनेगा तो क्या उसे प्रून किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो जिस हिसाब से अभी चल रहा है टीवी है उस हिसाब से बिल्कुल भी प्रून नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो एक थी जनरल जो की प्रून कर रही थी सारे ब्रांच को वो तो अभी यहाँ पे पकड़ी जा चुकी है, तो अब यहाँ पे प्रून नहीं होगा, जो ब्रांच बनेगा वो बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जो उस ब्रांच के लोग है क्या वो भी मारे गए, तो डेफिनेट प्रून हुआ तो वो सारे के सारे लोग मारे गए और मेन टाइमलाइन में जो लोग है वो अभी फिलहाल के लिए जिंदा है। अब दूसरी टॉपिक का बात कर लेते हैं कि जो रमोना को यहाँ पे ट्रैक किया गया है वो कहाँ पे है। तो देखो, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि आपने ट्रेलर के अंदर ये वाला सीन तो देखा ही होगा जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि रमोना पुराने जमाने के कह सकते हो थीम के अंदर वो है और वहाँ पे एक हथियार भी वो यूज कर रही है, तो ये कहीं और नहीं है, ये है ह्यू रिमेंस के पास या पोलार्ड भैया के पास। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेरियंट है ह्यू रिमेंस का यहीं पे रमोना काम कर रही है, क्योंकि हमें साफ साफ बता दिया गया है कि रमोना और ह्यू रिमेंस दोनों साथ में मिलके काम कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद कर रही है वो ह्यू रिमेंस का, और हमें अगले एपिसोड के अंदर यानी कि एपिसोड 3 के अंदर वही देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिल्वी के बारे में। सिल्वी को यदि तुमने एंडिंग में देखा होगा तो वो उसी ब्रांच टाइमलाइन के अंदर जाती है जहाँ पे वो पहले काम कर रही होती है, लेकिन ये होता कैसे है, 1982 के अंदर वो वहाँ पे कैसे चली जाती है जबकि उससे कुछ देर हमें पहले X5 के द्वारा बताया जाता है, हमें पहले इसके द्वारा बताया जाता है कि ये टाइमलाइन भी पूरी तरह से प्रून होने वाला है, इसको भी उड़ाने वाला है, तो ये टाइमलाइन बच कैसे जाता है। तो देखो, वो बचते नहीं, उसको बचाया जाता है। यदि तुमने ये वाला देखा होगा पूरा मॉनिटर, तो यहाँ पे बहुत सारा टाइमलाइन बच भी जाता है और उसी में से एक टाइमलाइन जो बचा होगा वो गलती से या कह सकते हो तुक्के लगा के बच गया होगा सिल्वी का, और इसीलिए सिल्वी फिर से वापस उसी टाइमलाइन के अंदर चली गई है और कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। और यदि तुमने ध्यान से देखा होगा तो सिल्वी के हाथ में वही अब टेम्पेट है जो कि हमने देखा था ह्यू रिमेंस के हाथ में, और इस टेम्पेट से वो क्या करने वाली है वो भी हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो साफ साफ उस टेम्पेट को एक्टिवेट करती है, यानी कि वो कुछ तो तूफानी करने वाली है, और ये कह सकते हो टेम्पेट का सबसे एडवांस वर्जन या कह सकते हो सारे टेम्पेट का ये बाप है। तो भाई यहाँ पे आप कह सकते हो सिल्वी के पास अभी सबसे ज्यादा पावर है। तो आई होप वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि एंडिंग में क्या चल रहा है और समझ में आ गया होगा कि एंडिंग में क्या हुआ था। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थर्ड एपिसोड के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो भी बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।